राज्य सरकार और केंद्र सरकार में इस बार सियासी रंजिश की टकराहट इस कदर बढ़ गई है कि तमाम तैयारियों के बावजूद भी भागलपुरी सौगात जीआई टैग जरदालू को महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गणमान्यों को भेजने से मना कर दिया। नतीजतन सैकड़ों कुंटल जरदालू आम सड़ने को मजबूर है। जैसे ही सरकार का फरमान आया कि इस बार आम नहीं भेजा जाएगा, मैंगोमैन अशोक चौधरी काफी ज्यादा निराश हो गए। उन्होंने किसानों से 250 कुंटल जरदालू आम एकत्रित कर भेजने की तैयारी की थी। ऐसे में उनके लिए काफी मुश्किल वक्त था। एक तरफ सभी किसानों को उनका उचित पैसा देने के साथ साथ 15 साल से चली आ रही परंपरा को एक झटके में समाप्त कर देना, उसके बाद धीरे धीरे आम सौगात भेजे जाने वाले बंद डब्बे में ही सड़ने शुरू हो गए। काफी कम कीमत में बैक कवर जरदालू को बाजार में बेचने के लिए भेज दिया गया, लेकिन काफी ज्यादा आम इस बार नहीं बिक पाया और बंद डब्बे और गोदाम में सड़ने लगा। आपको बता दें कि भागलपुरी जरदालू करीब 2007 से ही राज्य सरकार के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री समेत कई गणमान्य को भेजा जाता है। 15 वर्ष पुरानी परंपरा को तोड़कर इस बार सरकार ने आम को महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को नहीं भेजने का निर्णय लिया है। तैयारी पूरी हो चुकी थी, सिर्फ आम को ट्रेन पर चढ़ाना बाकी था। सभी सरकारी फरमान आया कि इस बार केंद्र सरकार को आम नहीं भेजा जाएगा, तब जाकर भारतीय जनता पार्टी ने भागलपुर से प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति समेत कई लोगों को आम भेजने का निर्णय लिया और विक्रमशिला के माध्यम से भेजा गया। इस बार जो तैयारी कर रहे थे आप 2-3 तारीख को आम भेजने का, हाँ, ऐसा क्या हो, देख रहे हैं पूरा आम यहाँ से सड़कर फेंका गया है, ऐसा क्या हो गया? तो हर साल की भांति इस बार भी बिहार सरकार का संदेश जाना था दिल्ली, और तैयारी भी उसी तरह हर साल की भांति इस बार भी किया गया। 2 को जाना था, डब्बा में एक दिन लेट हुआ तो 3 को जाना निर्धारित हुआ। 2 के रात में सारे कृषि पदाधिकारी लोग आके पैकिंग भी करवा रहे थे। पहले हम लोग का मीटिंग भी हुआ था DDC साहब के साथ, प्रभारी DM थे, तो तय हुआ था कि 2500 पैकेट जो है 2000 दिल्ली जाना है और 500 अन्य जगह जाना है। 2500 पैकेट की तैयारी थी। उसके साथ ही साथ ही अन्य लोगों का भी संदेश जाता है उसी के साथ साथ, उसकी भी तैयारी थी। तो 250 कुंटल के लगभग हम तैयार करके हम लोग जो है पैकेटिंग शुरू कर दिए थे शाम में, और 10-11 बजे रात को जब मैंने घुनसुन कुछ शुरू हुआ कि कैंसिल हो जाएगा, तो 12 बजे रात में हम लोग मैंने फाइनल कर दिए कि ये जो है मैंने वो लोग मैंने कैंसिल अब रुक नहीं सकता है, ऊपर से याद ऐसे कि कैंसिल हो गया। तो सारा आम जो 250 कुंटल आम था उसको छोड़ के चले गए। तो चूंकि 2 को ही जाना था तो हार्वेस्टिंग 1 को ही हो गया था, और 3-4 तारीख आते आते हम लोग देखे कि सारा आम एक बैग पक गया। 4 तारीख होते होते 5 और 6 को 2 दिन में हम लोग जितना खपत कर सके आधे दाम में खपत किए। अब बाकी आम जितना खराब हुआ तो उसको आप तो देखे ही कि खेत में फेंक दिए और जगह बहुत बटा गया, कुछ जानवर को भी खिलाया गया, लेके लोग ले गया कि खिलाया, और खपत नहीं कर सके आधे दाम में भी, जिसके चलते कुछ नुकसान हुआ किसान को। जिसको आम 60-70 में बेचना था इस बार जरदालू, उसका जरदालू 25-30 में ही बिक गया, और जिसका हम लोग परचेज किए थे महंगा रेट में तो उसका आधा दाम भी वापस नहीं आया। कितना क्विंटल आम लगभग बर्बाद हुआ, क्या लग रहा है? करीब आधा आम तो बर्बाद ही हो गया, 125 क्विंटल, और 125 क्विंटल जो बिका वो थोड़ा उन्हें पौने दाम में बिका। एक परंपरा शुरू किए थे बिहार सरकार के साथ आप मिलकर, हाँ, 2007 से। लेकिन ऐसा क्या, मतलब कि इतना सियासी रंजिश क्या हो गया कि मतलब ऐसा कोई आभास तो हम लोग को नहीं था, कहीं कोई मतलब डिफरेंस नहीं था। अच्छी तरह से हम लोग मीटिंग किए, कार्टून बनवाए। हालांकि इस बार एक चीज बहुत गड़बड़ी हुआ, कार्टून जो हम लोग पुराना समय से भेज रहे थे ये कार्टून भेज रहे थे, देख रहे हैं, और इस बार जो कार्टून आया ये कार्टून आया, दोनों के ऊंचाई में आकाश जमीन का फर्क है, और इसके चलते ये जरदालू इतना ऊंचा जरदालू होता है, इसका मानक बदल दिया गया, जिसके चलते हम जो बाहर भेजे हम सऊदी अरब या बंगलोर वाले कंपनी वाले ले जाके बेचे इस पैकेट में, जब लोग छोड़ दिए बिहार सरकार, वो भी सारा आम रद्दी हो गया और उसको भी लॉस हो गया। वहाँ जाके सऊदी अरब से फोटो आया, वो फोटो पिचका हुआ आम का आया।